गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक बार फिर रंगदारी का खेल शुरू हो गया है। पुलिस ने कुछ दिन पूर्व गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा रंगदारी मामले में चार अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद प्रिंस खान की मां नसीम खातून ने रंगदारी मामले में अपने बेटे का बचाव करते हुए धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक से सही न्याय की मांग की है। गैंगस्टर फहीम के सगी बहन ने इस रंगदारी मामले में अपने ही भाई फहीम के छोटे भाई शेर खान पर आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद में वासेपुर से चर्चित इलाका एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार जेल से ही रंगदारी लेने के मामले में पुलिस ने कुछ दिन पहले रंगदारी मामले में चार आरोपी को पकड़ा है, जिस पर गैंगस्टर प्रिंस खान पर रंगदारी का एक आरोप लगा है। वहीं आपको बताते चलें कि गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद पुलिस ने बैंक मोड़ व्यवसायी से रंगदारी के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें इमरान खान, सरफराज शहजाद और शहजाद हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। धनबाद पुलिस ने बताया था कि जेल में बंद प्रिंस खान और ऋतिक खान के इशारे पर ही व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें धनबाद पुलिस ने चार युवकों को जेल भेज दिया था। वहीं आज वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड प्रिंस खान के घर पर उसकी मां नसीम खातून ने एक प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस को संबोधित करते हुए नसीम खातून ने कहा कि धनबाद पुलिस द्वारा आरोप प्रिंस खान पर लगाया गया है, वो बिल्कुल बिल्कुल ही बेबुनियाद है और कानून पर भरोसा है कि सही जांच कर पुलिस अधीक्षक सही फैसला करे। साथ में उन्होंने बताया कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो प्रिंस खान और ऋतिक खान का नाम आता है, जबकि वो लोग मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी साजिश के तहत उन लोगों का काम दे दिया जाता है, इसलिए धनबाद पुलिस से सही और निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। बेटा तो साल भर से ऊपर जेल में अंदर मेंटेन में, अब वो रंगबाजी मांगा गया है प्रिंस खान के नाम से, तो प्रिंस खान कौन मोबाइल से मांगा है रंगबाजी, और उनको एसपी साहब का भरोसा है कि वो मोबाइल का लोकेशन निकाले, लोकेशन से पता चल जाएगा कि कौन रंगबाजी मांगा है, किसके कहे पर मांगा गया है, और ये काम कौन करवा रहा है। जो चार लड़कों गिरफ्तार हुए हैं वो किसका लड़का है, हाँ शेर खान का ड्राइवर है नेपाली शहजादा, और तीनों लड़का भी उसेरे खान का है, उसेरे खान के कहे पर वो लोग वो काम करता है। रंगबाजी सबसे मांगा जाता है गोपी खान के नाम से, प्रिंस खान के नाम से। जब नहीं पकड़ाया तो ठीक है, जब पकड़ा गया तो प्रिंस खान का नाम आ जाता है, गोपी खान का नाम आ जाता है। अब देखिए रंगबाजी मांगा है तो कितना गंदा गाली दिया है प्रशासन को, हाँ मेरे भाई फहीम खान को भी गाली दिया है। तो बताइए आज तक मेरा कोई लड़का प्रशासन को गाली नहीं दिया न देगा, इज्जत किया है इज्जत करते ही आएगा, हमको पूरा भरोसा है बैंक मोड़ थाना बड़ा बाबू पर, एसपी साहब पर, कि सही तहकीकात करके मेरे बच्चा पर जो सजा देना है करे, बाकी लोकेशन वो निकाले वो किसका आदमी है, किसके तहत पर किया हुआ, और वो प्रिंस खान से बात कर रहा है कि शेर खान से बात कर रहा है, उनको तुरंत पता चल जाएगा कि हम किसके कहे पर किया है, किससे बात कर रहा है। प्रिंस खान मोबाइल पे एंटी से बात करता है, कभी बीबी से कभी माँ से, दूर मिला वो भी अपना पता कर ली कि हाँ क्या कहा है, बात किसके कह पर किया, किसके इशारा पर किया है। जो कोई गोपी खान के नाम पर, प्रिंस खान के नाम पर रंगबाजी मांगे तो सीधा बैंक मोड़ थाना चला जाए, चाहे एसपी पर चला जाए, पकड़ के डाल दे, और उसको जो करना कानून को करे, हम लोग किसी से रंगबाजी नहीं मिलते, जमीन का धंधा करते हैं लोग, चाहे रंगबाजी समझे लोग चाहे धंधा, बन गया ना कि प्रिंस खान मांगा है तो किसके इशारा पर मांगा है वो लड़का, प्रिंस खान का नाम काहे लिया है, यही हमको सच्चाई चाहिए, साबुत अक्सर चाहिए। इस तरह का वारदात होती है, किसी भी तरह का नानी मांगा जाता है, आप लोग घर का नाम आता है, हर कोई लेता है, गोपी खान मांगा है, प्रिंस खान मांगा है, क्या कहेंगे? अगर नहीं पकड़ा ना तो कोई बात नहीं, अगर पकड़ा गया तो गोपी खान मांगा है, प्रिंस खान मांगा है। इस मामले में क्या कहेंगे? इस मामले में ही नाम कह रहे बाबू कि हमको साबुत चाहिए ना, सच्चाई चाहिए कि कौन मोबाइल से रंगबाजी मांगा है प्रिंस खान, उसका नंबर निकाल के हमको देखा साबित कर दे दो, तब मेरे बेटा को सजा दे या केस बांधे, बगैर गुनाह का गुनागार मत बनाए मेरे बच्चा लोग को, सुधरे का मौका दे प्रशासन, प्रशासन पर पूरा भरोसा, हम लोग कानून का हमेशा इज्जत किया और इज्जत करेंगे। दूसरे के कहे पर कोई भी कह दे रहा गोपी खान मांगा रंगबाजी, कोई भी कह दे रहा प्रिंस खान मांगा रंगबाजी, बस केस बन गया प्रिंस खान पर या गोपी खान पर। जो पुलिस के जो पुलिस का कार्रवाई है बिल्कुल निराधार मानते हैं, मतलब बेबुनियाद मानते हैं। हाँ बेबुनियाद है, जान पुलिस तहकीकात करे ना, प्रशासन पूरा तहकीकात कर लो, जो सजा देना है दे सजा मेरे बच्चा लोगो, सही या गलत समझ ले, एसपी साहब पर हमको पूरा भरोसा है, सही गलत समझ ले उसके बाद जो सजा देना है दे, चाहे केस करें। वहीं शेर खान ने कहा कि गोपी खान की मां नसरीन खान
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुझ पर झूठा आरोप लगाया है वो गलत है। वो अपने बेटे प्रिंस खान पर रंगदारी का केस का षड्यंत्र मेरे ऊपर लगा रही है, वो गलत है। इस कांड में वासीपुर के चार युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चार युवकों में से एक लड़का मोहम्मद शहजाद प्रिंस खान के भाई गॉडविन खान का साला का दोस्त है। इन चारों लड़कों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं एक समाज सेवक हूँ और झारखंड मजदूर मोर्चा का जिला सदस्य हूँ, इसलिए मुझे काफी लोगों से मिलना जुलना रहता है। प्रिंस खान के रंगदारी केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रिंस खान की माँ मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। हाँ देखिए, अभी तो हमको मालूम चला कि नसीर खान की वाइफ नासरीन मेरे अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट दी है आप लोग को। तो नसीर खान या नासरीन जो कुर्सी पर बैठी है, वो कुर्सी कहाँ से आया? नसीर खान टेम्पू चलाया करता था। आज उसके हाथ में सोना देख रहे, कितनी गला काट है ना, कितने हीरो इंची से खरीदा हुआ, उसको पिघला पिघला के सुनार को सेटिंग करके पहना हुआ, ये सब का आदत है। पप्पू खान याद होगा आप लोग को, ये दसवां ईद है जो मेरा लच्छा खाए और अपनी बेटी के साथ खाए, नहीं तो हर ईद आप लोग जान ही रहे, छिपा नहीं है। और हमको खुशी है, और बेटा मेरा इंतखाब में बैठा हुआ था, 10 दिन से इंतखाब में था, हम वेट कर रहे थे। उस दरमियान शायद कुछ हो जाता तो बेटा तो हमको देख भी नहीं पाता, फिर भी हम थे। वीडियो भी उसका आया हुआ है, आप लोग के पास होगा ही। नासरीन खान अपना बेटा लोग के खुल के कहती है कि पैसा बेटा पैसा लाओ, गर्दन काटना पड़े काट दो लेकिन पैसा लेके आओ, और हम इसके अगेंस्ट में है। और रहा बात फसाने उसाने का, तो शेर खान नाम है ना मेरा, शिकार करेगा ना कि फसाएंगे, फसाने। शेर खान समुन्द्र में जीना जानता है, ये नाला में नहीं, ये नाला है, ये लोग नाली तक का, नाली का कीड़ा है, वो नाली का कीड़ा को कुचल देने में भलाई है। कुछ दिन में समाज इंशाल्लाह कुचल ही देगा, कुछ दिन और ऐसा कुचलेगा ना कि ऐसा करने वाले का रूह तक कांप जाए।